आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जब किसी की डेथ होती है, यानी कि किसी की मौत होती है, तो आप देखते हैं कि अपने अपने धर्म के हिसाब से हर कोई उसका अंतिम संस्कार करता है। फिर चाहे आप किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, हिंदू धर्म, मुस्लिम या फिर कोई और, जैन, ईसाई, जो भी हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश में एक बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। लेकिन अभी देख रहे हैं आप लोग कि कोरोना से जिस तरह से मौत हो रही है और जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति बनी हुई है। तो ये आर्टिकल आपका उसमें जनसत्ता में निकला हुआ था, मुझे लगा कि अच्छा लिखा है इसने। तो देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, कराहती इंसानियत। और आप सभी लोगों से एक और याद रखिए कि घर से मत निकलिए, और निकलना ही है तो कुछ सुरक्षा अपनी व्यवस्था बना के रखिए, क्योंकि किस तरह से हालात बने हुए हैं, जग जाहिर है। और आप देख रहे हैं कि कोई लाश को अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसका परिवार भी हाथ लगाने से डर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। समुची दुनिया के सब और मानवीय समाज में इंसान की मौत के बाद पर्याप्त गरिमा के साथ उसके शव का अंतिम संस्कार करना एक जरूरी रियायत रही है। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ज्यादा ही है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि हम भावनाओं से कुछ ज्यादा ही जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से अव्वल तो जीते जी लोगों की जान बचाने की व्यवस्था नहीं हो और दूसरे की मौत के बाद भी उसके सबको न्यूनतम सम्मान नहीं दिया जाए, तो ऐसे तो इसे कैसे देखा जाएगा। यह कल्पना भी दहला देती है, अंदर तक हिला देती है कि एक एम्बुलेंस में 22 लोगों के शव भरकर शमशान ले जाए जाए और जहां उनका अंतिम संस्कार होना था। ये बात आप समझ सकते हैं कि वैसे ही है जैसे आप समझिए कि पशुओं से बुरी स्थिति हमारी हो चुकी है। कूड़े करकट में आप देखते हैं ना कि गीला हो सूखा हो सब एक ही में भर के फेंक दिया जाता है, तो यही आजकल हाल चल रहा है। और जहां उनका अंतिम संस्कार होना था, लेकिन महाराष्ट्र के बीड जिले में कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले 22 लोगों के शवों के साथ ऐसा ही किया गया है। जाहिर है कि यह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर देने के लिए काफी भी है। और जिस एक एम्बुलेंस में एक शव को ठीक से नहीं से कहीं से पहुंचाना संभव हो पाता है, आप जानते हैं कि एम्बुलेंस हर तरह की रहती है, लेकिन इसमें आप समझ सकते हैं कि एक को रख पाना जहां मुश्किल था, वहां 22 से 23 रखे गए सब, और उसमें इतनी संख्या में सब ले जाए गए। और सवाल उठने की बात बीड़ के अंबा जुगाई में स्थित स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण राजकीय चिकित्सा कॉलेज के डीन ने यह सफाई पेश की कि उसके उनके पास पर्याप्त एम्बुलेंस नहीं है। और कई फोटो भी आप देख रहे होंगे, वायरल भी हो रही हैं। अभी आपने देखी होगी एक साइकिल पर बीच में आप देखते हैं ना कि पुरानी साइकिल आती थी जिसमें आप बीच में कुछ भी सामान रख लेते थे, तो उसमें एक महिला का शव रख के ले जाया जा रहा था। मतलब कंधा देने के लिए भी लोग नहीं मिल रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनी हुई है। समूचे देश के कई शहरों और जहां तक कि राजधानी दिल्ली के उच्च सुविधा वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन सहित संसाधनों की व्यापक कमी के जैसे मामले सामने आए और जिसकी वजह से बचाए जा सकने वाले काफी लोगों की जान भी चली गई है। और आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन अगर सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक समय पर मिल जाती तो हम लोग काफी लोगों को बचा भी सकते थे, लेकिन आप भी जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। और उसके मद्देनजर बीड के अस्पताल के डीन की सफाई हैरान नहीं है, और सवाल आखिरकार इसके लिए कौन जवाबदेह है और अस्पताल में एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधा मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कई लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि मतलब उन्हें कोई इस तरह की व्यवस्था मिले कि वो ले जाए, वहां से उस लाश को ले जाए दूसरी जगह। गाड़ी व्यवस्था कुछ भी नहीं है। और करीब साल भर पहले जब विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, आप जानते हैं कि WHO क्या करता है, कि दुनिया भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की देखभाल करता है, इसकी स्थापना की बात करें तो आप देखेंगे 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए आप देखते हैं कि 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। और करीब साल भर पहले जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु से संक्रमण की महामारी होने की घोषणा की, तब से दुनिया भर में हुई तबाही सबके सामने है। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव जनित या किसी भी अन्य वजह से समय समय पर आने वाली महामारी और उससे होने वाली तबाही का इतिहास सामने
होने के बावजूद उससे सबक लेना हमारी सरकारों ने जरूरी क्यों नहीं समझा, और उससे बचाव के लिए समय रहते पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए। आप समझ सकते हैं कि पहली लहर में और दूसरी लहर आने में एक बहुत लंबा समय मिला हुआ था। इसमें अगर हम चाहते तो हॉस्पिटलों की स्थिति ठीक कर सकते थे, काफ़ी बेड की व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि पहले से मालूम था। कई आप समझ सकते हैं कि डॉक्टरों ने चेतावनी भी दी हुई थी, WHO ने भी कहा था कि हमारे यहाँ दूसरी लहर आएगी, हम लोग ऑक्सीजन का भंडार कर सकते थे, हम दवाइयों का भंडार कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने नहीं सीख ली। एक कहानी तो वैसे ही हुई, जैसे आप समझिए कि किसी रोड सड़क पर आप जाते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें आप लोग एक बार गिर जाते हैं और दोबारा आप जाते हैं, दोबारा उसमें गिर जाते हैं। तो यहाँ तो आप समझिए उस गड्ढे की गलती नहीं है, यहाँ तो आपकी गलती है। यानी कि हमने पुरानी गलतियों से कुछ सीख ही नहीं ली, उसका परिणाम भी सामने खड़ा हुआ है। आज ये स्थिति बनी हुई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा केस हमारे यहाँ आ रहे हैं और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा डेथ भी लगभग हो रही है। ठीक है, सरकारों के सिद्धांत पर काम करने से ज़्यादा अफसोसजनक और क्या हो सकता है। और आपने देखा है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री हों या फिर कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जो आप हैरान होती हैं। मतलब आप समझिए कि एक तरह से नेताओं के मुंह से बड़ा मतलब मजाक टाइप का करते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री साहब ने तो कह दिया कि आप लोग जिम्मेदार हैं, इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं, ना तो सरकार जिम्मेदार है ना ही नेता जिम्मेदार है। सरकारों के सिद्धांत पर काम करने से ज्यादा अफसोसजनक और क्या हो सकता है। जब प्यास से व्यापक पैमाने पर लोगों की जान जाने लगे, तब कुआं खोदने का काम शुरू किया जाए। इसका कहने का मतलब इतना है कि अभी आप देख रहे हैं कि कई ऑक्सीजन प्लांट मतलब प्रोजेक्ट चालू किए जा रहे हैं, लेकिन आप समझिए कि जिन लोगों की जान जा चुकी है, अब उन्हें क्या बचाया जा सकता है। हाँ, ये ठीक है कि इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो आगे आने वाली कोई आपदा है, मुसीबत है, तो उसमें निपटा जा सकता है, लेकिन ये व्यवस्था हमें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। क्या इस रास्ते मौजूदा महामारी या अचानक आई किसी आपदा का सामना किया जा सकता है। दरअसल जब किसी सरकार में दूरदर्शिता होती है, तो वह न केवल वर्तमान की समस्याओं का हल निकालती है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहती है। आप देखिए, हमारे आज़ादी के समय आप लोग जा सकते हैं, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, उस समय के नेताओं में दूरदर्शी ना होती और दूर का ना सोचते, तो क्या वो संविधान बनाते। उन्हें पता था कि आगे चल के इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, अधिकारों की बात आएगी, तो उन्होंने सभी संस्थाओं का एक तरह से गठन भी किया और आप देखते हैं संविधान पूरा बना के आपका रख दिया सामने। तो ये उनकी दूरदर्शी सोच बताती थी। और आज आप लोग समझ सकते हैं नेताओं का क्या हाल बना हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि कोरोना महामारी आ गई तो आपको अपने नेताओं की औकात पता चल गई, वरना आप समझ सकते हैं कुछ मालूम ही नहीं चलता। मगर हमारे यहाँ विडम्बना यह है कि जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए या पानी सिर के ऊपर से ना गुजरने लगे, तब तक सरकारों संबंधित महकमों की नींद नहीं खुलती। और इस तरह की घटनाएं आपने हजारों देखी होंगी हमारे देश में। आप समझिए कि कोई पुल मतलब कमजोर हो रहा है, उसकी मरम्मत तब तक नहीं होगी जब तक कि वो गिर ना जाए, उससे 2-4-10 लोग ना मर जाए, समझ रहे हैं आप लोग। ऊपर से आप देखेंगे, फिलहाल दिल्ली से लेकर सूरत तक के शमशानों से जैसे तकलीफ दे खबरें और तस्वीर आ रही हैं, बेबताती हैं कि समुचित स्वास्थ्य ढांचे के खोखलेपन के साथ साथ इंसान की अंतिम यात्रा भी गरिमा के साथ पूरी नहीं हो पा रही है। और आप समझ सकते हैं कि हम आप शायद इस दर्द को कभी नहीं समझ सकते हैं। आप समझिए कि उस जिस परिवार का कोई मेंबर जाता है, और वो मेंबर कुछ कीमत रखता था उस परिवार के लिए, महत्व रखता था, उस पर क्या बीतती है, शायद हम आप लोग बैठकर इस तरह नहीं अंदाजा लगा सकते। वो अच्छी कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, कि जिसका दर्द होता है वही जानता है, दुनिया के लिए वो सिर्फ दिखावा लगता है। अभी नहीं, नेताओं में से अगर समझ सकते हैं कि कोई जाता तब उनके परिवार या शायद उनका कोई परिवार का मेंबर जाता तब नेताओं को फर्क पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए VIP सुविधाएं हो जाती हैं।
एक देख लिया है आपने कि आप देखिए कि कोई भी आपदा आए, कोई भी मुसीबत आए, सबसे ज़्यादा उसे तो उससे प्रभावित या उससे नुकसान होता है आम जनता को ही। नेता तो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इससे इतर ऐसी घटनाएं भी इंसानी संवेदनशीलता के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही हैं कि कोरोना की वजह से हुई मौत के बाद कई जगहों पर लोगों ने शव नहीं जलाने दिए, यानी कि अंतिम भी उनका मतलब आप सोचिए अंतिम यात्रा भी एक तरह से नहीं हो पा रही है। ऐसे सामाजिक रवैये की वजह से इंसानियत करार रही है। और वैसे मुझे लगता है कि एक किताबों में अच्छे शब्द लगते हैं, नेता इंसानियत, क्योंकि असल जिंदगी में इन शब्दों की कोई महत्व ही नहीं बचा हुआ है। कहाँ आपको इंसानियत देखने को मिलती है? मुश्किल से एक आदमी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि भगवान भी मतलब उसमें खुश होते होंगे कि ऊपर वाला कि हमने से इंसान का जन्म देकर कुछ गलती नहीं की, क्योंकि वो बड़ा अच्छी तरह से इंसानियत निभा रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोगों में इस तरह की मिलती है। अब नेता आप समझिए कि पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन आपने देखा है कि नेताओं ने उसे निगेटिव बना दिया है। आपके आपके दिमाग में जब भी नेता शब्द आता है तो आप सोचिए, एक आज़ादी के पहले आप लोग जाके सोचिए, एक आज़ादी के बाद तो आपके दिमाग में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। समझ रहे हैं? सवाल है कि हमारे जिस समाज में किसी की मौत के बाद सबके पीड़ित परिवार के साथ खड़े हो जाने की परंपरा थी, आप लोगों ने देखा होगा आज से आप लोग कुछ समय पहले ही चले जाइए, आपके गांव में अगर किसी के घर कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो पूरा परिवार, पूरा गांव इकट्ठा होकर उस परिवार उस मुसीबत का सामना करता था। और आज आप देखिए इस समय क्या परिस्थिति बनी हुई है। देखिए हमारी परंपरा तो बड़ी आप कह सकते हैं कि मिली जुली एक दूसरे का सहयोग करना, यही हमारी संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर रहा है हमारा, एक दूसरे की मदद करना, खुशी मतलब खुशी के माहौल में सभी को बुलाना। अब देखते हैं आपके यहाँ कुछ खुशी होती है तो पड़ोसी आपसे जलता है, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे शवों तक को लेकर ऐसी उपेक्षा का भाव किसने भर दिया। समुची व्यवस्था की चरमराने से लेकर संवेदनाओं तक में इस व्यापक छीजन की भरपाई कैसे की जाएगी? और आप समझ सकते हैं कि हम लोग अगर बात भी करते हैं तो उसका धर्म पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो धर्म किस धर्म का है, यानी कि हम इतने बढ़ चुके हैं। एक समय हुआ करता था, कहते हैं लोग, कहते हैं आप में से कई पूछते रहते भी हैं कई लोग कि क्या गांधी जी के सिद्धांतों पर इस समय भी चला जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपके गाल पर एक तमाचा लगाया, आप दूसरा गाल कर दें, तो मुझे लगता है ये परिस्थिति वो बन चुकी है कि दूसरे पर भी कोई लगा देगा। देखिए गांधी के टाइम की बात ये थी कि आपने अगर किसी के साथ बुरा किया, कुछ भी गलत किया, किसी को धोखा दिया या आपकी वजह से किसी की जान गई, तो आप अपने आप से मिलते थे, आप पछतावा करते थे, आपकी जो अंतरात्मा थी, आत्मा थी, वो झकझोरती थी, आपको मजबूर करती थी। लेकिन आज आप देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी के साथ भी कितना भी बुरा कर दीजिए, गलत कर दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग मिलते ही नहीं अपने आप से। इसीलिए आप देखते हैं कि एक तरह से इंसानियत का हद गिरता जा रहा है। खैर छोड़िए, आप लोग अपना ख्याल रखिए और परिवार का भी ख्याल रखिए, समझ रहे हैं, और इंसानियत का छोड़िए, अभी पाठ बाद में पड़ जाएगा। लेकिन मैं तो इतना ही लास्ट में कहता हूँ कि मुझे लगता है कि आप मान लीजिए आप कुछ भी कितना भी आप लोग खतरनाक कोई भी चाल चल रहे हैं, मान लीजिए कि आपकी वजह से सामने वाला आप इंसानियत हैवानियत की हद पार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका मानवता से इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, और आप मान लीजिए कि आप 200 साल जी जाते हैं तो क्या कोई मतलब रहेगा? क्या इतिहास आपको याद रखेगा? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा रखेगा, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे कर्मों से हमारा इतिहास हमें याद रखता है। आप देखिए कि किसी किसी की 20-22 साल में किसी की डेथ हो जाती है, उसे भी इतिहास में नाम उसका रहता है, और आप देखते हैं कि कोई 100-150 साल भी जी जाता है उसका, उसके बाद भी उसे कोई उसका परिवार भी भूल जाता है, उसे भी वो याद नहीं रखते हैं। एक बड़ा इतिहास में आप लोगों ने एक घटना पढ़ी होगी,
सिंधिया घराने के बारे में और लक्ष्मी बाई के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। आज आप लोग कोई स्पेशल बुक्स उठा के देखिए इतिहास की, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सिंधिया गद्दार था। रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान दिया जाता है, हम लोग पूछते हैं कुछ भी अच्छा होता है, हम कहते हैं कि इससे अच्छा रानी लक्ष्मीबाई उभर के आ रही हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हो सकता है कि आज आप सुख के लिए, मतलब आप सोचिए सिंधिया ने उस समय तो अपना राज बचा लिया है, लेकिन कि क्या इतिहास माफ कर रहा है? कभी नहीं करेगा। जब तक इतिहास रहेगा तब तक इस तरह की घटनाएं बनी रहेगी, वो लिखा रहेगा शब्द, और इतिहास को हम लोग नहीं बदल सकते हैं। आज का ले लीजिए आप लोग की जो भी चल रहा है, जिस तरह की इंसानियत जो भी समय चल रहा है, इसका वही आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा। तब मूल्यांकन होगा कि इससे जो महामारी आई हुई थी, इस समय कौन प्रधानमंत्री था, यहाँ के लोगों की क्या हरकतें थी, सबका मूल्यांकन होगा आने वाले समय में। हम आपकी जिंदगी बस बहुत से बहुत 70 साल 100 साल हो सकती है, आज का तो ठिकाना नहीं है। कोरोना वायरस ने हमारी औकात याद दिला दी है कि हमारे बाल से भी कई गुना छोटा होने के बाद उसने कह दिया कि आपकी कल का ठिकाना नहीं है आपके लिए, तो आप समझ सकते हैं। खैर छोड़िए, किताबों में और रामायण महाभारत में ही अच्छी बातें लगती हैं किताबों में, असल जिंदगी में ऐसा कहना मजाक लगता है और आपको लोग पागल भी समझने लगते हैं अगर आप इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, अपना करते रहिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो। ठीक है।